अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय दस फूड ट्यूब। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, इसकी बेशुमार बरकतें अता फरमाए। तो एक नई रेसिपी के साथ आज हम अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार लजीज तरीन दाल बना रहे हैं। आज हम बहुत ही फेमस एक दाल बना रहे हैं जिसका नाम है राजस्थानी दाल। बहुत ही मज़ेदार होती है, जिस तरह इसका नाम इतना मज़ेदार और ख़ूबसूरत और प्यारा है राजस्थान, तो उसी तरह ये दाल भी उतनी ही खाने में भी मज़ेदार है, पकाने में भी मज़ेदार है और देखने में भी बहुत मज़ेदार है। तो देखें, राजाओं महाराजों का देश राजस्थान, वहाँ की एक रेसिपी बहुत ही मज़ेदार। तो चले आपके साथ मैं इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो इसके लिए मैंने ये चार दालें ली हैं। ये चने की दाल है मेरे पास, ये मैंने एक प्याली चने की दाल ली है, एक प्याली मैंने मूंग की दाल ली है, धुली हुई, छिलके नहीं है, धुली हुई दाल है, और दो टेबल स्पून ये मैंने कम मिकदार में ली है माश की दाल, दो टेबल स्पून वो ली है, और एक प्याली ही मैंने मसूर की दाल ली है रेड वाली। ठीक है जी, ये चार दालें ली हैं मैंने, इनको मैंने पानी में भिगो देना है और इस पानी में भिगोते हैं, साथ साथ आपको साथ रेसिपी भी शेयर करते जाऊंगी। अच्छा जी, ये चारों दालें मैंने आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दी हैं। देखिए कितनी अच्छी सी नरम हो गई हैं। अब मैंने इनको नमक, हसबे जायका नमक, लेकिन मैंने अभी हाफ टी स्पून नमक डाला है इसमें, नमक और हल्दी के साथ मैंने इसको बॉईल कर लेना है। इसमें कोई सुरख मिर्चें और सब्ज़ मिर्चें इसमें अभी मैं शामिल नहीं कर रही, इसको सिर्फ मैं नमक और हल्दी के साथ बॉईल करूंगी दाल को। तो फिर हम इसको पीस लेंगे और फिर इसके नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। जी, दाल हमने पीस ली है, अपनी चारों दालें हमने जो बॉईल की थी नमक और हल्दी के साथ, इनको मैंने पीस लिया। ये देखें इतनी अच्छी सी तैयार हो गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला, हसबे जायका भी हो सकता है, लेकिन मैंने एक टेबल स्पून इसमें चाट मसाला शामिल किया है। अब मैं इसका भी भिगार भी हमने तैयार करना है, इसका तड़का, और इसमें एक नींबू का जूस शामिल करूंगी मैं, और एक नींबू मैंने काट लिया है और मैं इसका जूस इसमें शामिल कर रही हूँ, एक नींबू का जूस। अगर आपको ज़्यादा खट्टी पसंद है तो आप दो भी डाल सकते हैं, लेकिन एक काफ़ी होता है। साथ सर्विंग में साथ रख लीजिएगा, अगर किसी को ज़रूरत होगी तो वो और शामिल कर लेगा नींबू का जूस। अच्छा जी, अब हम इसका तड़का तैयार करते हैं, बहुत ही मज़ेदार दाल तैयार होगी। ये देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत आया। चले जी, मैं इसको साइड पे करके इसका तड़का तैयार करती हूँ। चले जी, इसका तड़का तैयार करते हैं। आप ऑयल ले लें, घी ले लें, जो आपको पसंद है आप ले लें। मैं घी में ज़रा बना रही हूँ क्योंकि ट्रेडिशनल किस्म की दाल है, तो घी में ज़रा मज़ेदार लगेगी। वैसे आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने तकरीबन इसमें 2 से 3 चम्मच घी डाल लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक का पाउडर, मैं लूँगी इसके साथ। सबसे पहले मैंने इसमें डालना है टमाटर, एक टमाटर है, ठीक है जी, एक टमाटर ले लिया मैंने, छिलके के साथ लिया मैंने, इसमें छिलका रिमूव नहीं किया। एक टमाटर है, इसको हल्का सा मैंने इसमें करना है, लेकिन इस भूनना है कि गले नहीं, बस हल्का सा नरम करना है। साथ ही मैं अपने बाकी स्पाइसेस भी डालती जाऊँगी। एक टमाटर मैंने लिया है, 2 से 3 हरी मिर्चें भी लिया, मैं ये तड़के में सब कुछ शामिल कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी दाल बनती है, जीरा राइस के साथ ट्राई कीजिएगा। यदि घी की बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ये गोल लाल मिर्चें हैं, ये भी मैंने इसमें शामिल कर ली हैं। बस हल्का हल्का से इनको सोते करना है, इनका कलर नहीं हमने चेंज करना, ताकि दाल में नज़र आए कि ये सारी चीज़ें शामिल हैं। ये गोल लाल मिर्ची भी मैंने 4 से 5 हद वो डाल दी हैं, और ये मेरे पास है जीरा है, इसमें 2-3 काली मिर्चें हैं, और एक दालचीनी का स्टिक है, और एक मैंने कड़ी पत्ता शामिल किया है इसमें, ये शामिल करके। साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सुरख मिर्चें 1 टेबल स्पून, या हफ्ते जायका भी आप ले सकते हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक का पाउडर, जिंजर पाउडर, तकरीबन 1/4 टी स्पून के करीब मैं इसमें वो शामिल कर रही हूँ। ये भी एक सूखा हुआ अदरक भी एक हींग का काम ही देता है। चलिए, अब मैं इसको बंद कर रही हूँ चूल्हे को, और दाल शामिल कर रही हूँ तड़के को। ठीक है जी, ये ले जी, मैं तड़का लगा रही हूँ दाल में, ये भी पक रही है। देखें कितनी झटपट तैयार होगी और इतनी टेस्टी और मज़ेदार, माशाल्लाह से। ये देखें इस दाल में इसके ऊपर ना इस तरह रेड कलर आना चाहिए, जिस तरह हमारे सालन के ऊपर एक घी की लेयर होती है मिर्चों वाले सालन में, इस दाल में इसी तरह होनी चाहिए। ठीक है जी, ये हमारी दाल रेडी हो गई है, मैं अब उसको सर्व कर रही हूँ प्लेट में, और आपके सामने इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ।
दाल हमारी बिल्कुल तैयार है राजस्थानी। इसको मैंने जीरा राइस के साथ सर्व करना है। ये मैं अब इसमें डाल रही हूँ चावलों के साथ। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, बहुत ही डिलीशियस। ये मैं अब इसमें डाल रही हूँ चावलों के साथ। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, बहुत ही डिलीशियस और झटपट तैयार होने वाली दाल है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई दस फूड ट्यूब।